प्लेटफॉर्म रहे हैं पिछले 17 सालों से। इस देश में बहुत कुछ ऐसा हुआ है अच्छा जो कि लगातार सीधे इन कहानियों से जाकर जुड़ता है जो कहानियां आपने स्टार प्लस पर देखी। अगर देश में पोस्ट लिबरलाइजेशन का एक इरा आया जिसमें कि लोगों को लगा कि अब पैसा कमाना ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, तो वो जोड़ा गया स्टार प्लस पर आ रहे एक गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के साथ। उसके बाद अगर हमने उन मुद्दों को सामने रखा जो घर के अंदर महिलाओं के मुद्दे थे, तो चाहे वो हमारी पहली सोप सीरीज थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या फिर कुछ ही महीने पहले खत्म हुई दी और बाती, हम महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को हमने हमेशा सबसे पहले सबसे आगे रखा। उसके बाद जब हमने बात की अडेप्टेशंस की, इंटरप्रिटेशंस की, तो हमारी नजर गई भारत के बड़े ग्रंथों पर। और हम मैं सिर्फ एक्चुअली फर्स्टली आई लाइक टू थैंक काफ़ी लोग हैं जो जिनकी वजह से ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आज। जैसे कि आपने ट्रेलर देखा, उसमें लिखा है फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ कलोना एंड डी डे, सो आई वॉन्ट थैंक स्टाफ फॉर फॉरगेटिंग ऑल द अदर स्टफ दैट आई हैव डन एंड नॉट फॉरगेटिंग, आई डोंट थिंक यू कैन फॉरगेट मैंने बाकी क्या किया है, बट ओवर लुकिंग सम ऑफ द स्टफ दैट आई हैव डन एंड रिमेंबरिंग दैट दीज टू आर वेरी स्पेशल फिल्म्स। तो जो कलोना हो और डीरे, जिसके बारे में मतलब जब मैंने डीरे बनाई, लोगों ने कहा कि कलोना के डायरेक्टर ने कैसे डीरे बनाई, हाउ इज इट पॉसिबल दैट वन इज लाइक दिस एंड वन इज देयर पोल्स अपार्ट। बट आई थिंक दैट जो एक अहम चीज़ है डीरे में वो है इमोशन, ह्यूमन इमोशन, चार रॉ एजेंट्स के बारे में जो उन पर बीटती है, जो उनको करना पड़ता है, द सेक्रीफाइस दे हैव टू मेक। तो मतलब ऑन द सर्फेस जो है वो लगती है कि थ्रिलर है, सस्पेंस है, बट एट द हार्ट ऑफ इट इज अ वेरी स्ट्रांग इमोशन ऑफ सेपरेशन, ऑफ सेक्रीफाइस। जो जब मैंने हाथू फिल्म गिडियन रैफ की जो बनाई हुई शो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि द शो इज कॉल्ड प्रिजनर्स ऑफ वॉर POW, बट द रियल प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है वो उनकी बीवियाँ हैं, उनकी फैमिलीज है। हम लोग भूल जाते हैं कि उनके उन पे क्या बीतती है, उनको क्या करना पड़ता है 17 साल से, जो एक टू बी इम्प्रिजन्ड बाय होप, वन थिंग द होप इज समथिंग दैट कीप्स यू अलाइव एंड कीप्स यू गोइंग, बट दे आर इम्प्रिजन्ड बाय द फैक्ट कि शायद वो लोग अगर वापस आए एंड आई हैव मूव्ड ऑन, हाउ विल दे फील, व्हाट विल हैपन टू देम, दैट इज समथिंग दैट रियली अपील टू मी। एंड जब गौरव और स्वागतो जो वहाँ पे बैठे हैं, दे केम टू मी एंड दे सेड कि वी आर विलिंग टू ओवरलुक ऑल द रबिश दैट यू मेड, कैन यू मेक समथिंग लाइक डीडी एंड कलोना फॉर अस एंड पुट दिस शो, अडेप्ट इट एंड मेक इट इनटू समथिंग स्पेशल फॉर अस। आई थिंक टुडे माय प्रोड्यूसिंग पार्टनर मधु सिटिंग विद वी 106 डेज इनटू द शूट एंड वी बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही टॉपिकल है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बट हमने सोचा नहीं था कि ये होगा, शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये होगा कि जो हो रहा है आज के सरहद पे, बॉर्डर्स पे, बट इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट फिल्म, इट्स इम्पॉर्टेंट शो, इम्पॉर्टेंट स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि हम लोग भूल जाते कि एक्चुअली देर आर पीपल हु हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड and that is what the show talks about. We've tried our best, that's why mujhe is mauka is manch pe mujhe kafi logos ko thank you bolna hai, from top Mr. Uday Shankar, Sanjay Gupta and in star and the 149 kitne log hai Ramesh, 149 and more than 149 people jo har din they follow me to the madness of bringing what you've just seen. I won't take any more of your time.